हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज नीरज गुप्ता। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12th के हिसाब से ये मेरी फर्स्ट वीडियो है। ज्यादातर वीडियोस मेरी लैपटॉप बेस्ड वीडियोस होती हैं, जैसे कि आपने इंग्लिश में, बिजनेस स्टडीज में, दूसरे सब्जेक्ट्स में देखा है। बट थोड़ा सा इस वीडियो को मैं बोर्ड के ऊपर इसलिए बना रहा हूं क्योंकि इसमें थोड़ा डायग्राम्स का काम है। तो चलिए शुरू करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, दैट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इतना तो आपको मालूम ही है, आपने 11th के अंदर माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो भी डिस्कशन होता है वो इंडिविजुअल लेवल पर होता है और मैक्रो इकोनॉमिक्स में वही चीज नेशनल लेवल पे हो जाती है। यानी कि 12th के अंदर जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो इसके अंदर बेसिकली होना क्या है कि हम नेशनल इनकम की कंप्यूटेशन सीखेंगे। वी विल बी स्टडिंग द कंप्यूटेशन ऑफ नेशनल इनकम। अगर आप बुक को देखेंगे, सिलेबस को देखेंगे, तो कंप्यूटेशन ऑफ नेशनल इनकम एक पूरी बड़ी यूनिट है, जिसमें जैसे हम अपनी बुक जो फॉलो कर रहे हैं मेनली संदीप गर्ग या और भी बुक्स अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर उसी फ्लो में मैं चल रहा हूं। तो कंप्यूटेशन ऑफ नेशनल इनकम में सबसे पहला जो हमारा कंसेप्ट है वो है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को समझने से पहले बड़ी बच्चों वाली मैं आपको दो चार चीजें बताऊंगा, पेशेंस रखिएगा। आप में से कुछ हो सकता है स्कूल में ये लेक्चर पढ़ चुके हों तो डेफिनेटली वो थोड़ा इंपेशेंट होंगे कि बड़ी बच्चों वाली बातें शुरू कर रहे हैं, लेकिन अभी हमें यहीं से शुरू करना है। फिलहाल इस कंसेप्ट को समझने के लिए हम ये प्रिज्यूम करेंगे दैट वी हैव ए टू सेक्टर इकोनॉमी। टू सेक्टर इकोनॉमी में कौन कौन से दो सेक्टर्स आ गए? टू सेक्टर इकोनॉमी में एक है कंजम्पशन सेक्टर, दैट इज हाउस होल्ड। दो है ये टू सेक्टर इकोनॉमी में, एक है H is for household and one is firms, यानी कि जितनी भी business firms हैं उनको समझने के लिए हम बोलेंगे F, that is firms। तो two sector economy, अभी हम government को भी ignore कर रहे हैं, अगर उसको जोड़ दें तो बन जाएगी three sector economy और अगर हम foreign sector को भी जोड़ दें तो ये बन जाएगी four sector economy। अभी हम जैसा मैंने कहा उन सब चीजों पे नहीं जा रहे, फिलहाल हम ये presume करें there are only two sector economy, one is household एंड द अदर इज फर्म्स। ये हुई एक बात। दूसरी बात, आपने जरूर पहले से पढ़ा होगा, सुना होगा दैट देर आर फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। देर आर फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो हाउस होल्ड फर्म्स को प्रोवाइड करते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मैं अभी सर्कुलर फ्लो नहीं समझा रहा हूं, बेसिक बातें बता रहा हूं, बट नेक्स्ट वीडियो में हम सर्कुलर फ्लो के बारे में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल मैं एक बेसिक बात बता रहा हूं कि देयर आर टू सेक्टर इकोनॉमी, उसमें से हाउसहोल्ड फर्म्स को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करते हैं। सो देयर आर फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, देयर आर फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब अगर हम बात करते हैं कि ये चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन से हैं, तो मेरे ख्याल से आप 100% जानते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। 1, 2, 3, 4। यानी कि हाउसहोल्ड जो हैं, वो हमेशा बिजनेस फर्म्स को ये चार फैक्टर प्रोवाइड करते हैं। लैंड प्रोवाइड करते हैं, किसी भी बिजनेस को पूरा करने के लिए काम लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, पैसा चाहिए, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। एंटरप्रेन्योर के फॉर्म में एक हाउसहोल्ड अपनी सर्विसेज एक तरह से बिजनेस फर्म्स को देता है। अगर एंटरप्राइज में कंफ्यूजन हो तो मैं क्लैरिफाई कर दूं यहीं पर, बाकी डिटेल में इन चारों फैक्टर्स के बारे में हम जो लैपटॉप बेस्ड वीडियो होगी उसमें पढ़ेंगे। फिलहाल इतना जरूर बता दूं कि जैसे मैं नीरज गुप्ता आपको पढ़ा रहा हूं और मेरी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसका नाम NGPA क्लासेस है, तो नीरज गुप्ता अलग है, NGPA क्लासेस अलग है। नीरज गुप्ता H है, हाउस होल्ड, और NGPA क्लासेस फर्म्स है। जैसे मुकेश अंबानी हाउस होल्ड है, H है, और रिलायंस उसकी जो कंपनी है वो फर्म्स है। तो इन दोनों के अंदर भी एक सेपरेट एंटिटी का कंसेप्ट चलता है, राइट? दोनों को अलग अलग माना जाता है, इसीलिए यह माना जाएगा कि एंटरप्राइज एक हाउसहोल्ड किसी बिजनेस फर्म्स को एक तरह से प्रोप्राइटर प्रोवाइड करता है, एक एंटरप्रेन्योर प्रोवाइड करता है जो बिजनेस को चलाता है। तो अभी तक हमने ये डिस्कस किया कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को समझने के लिए समझना है कि हमने इसको स्टडी करना है इन ए टू सेक्टर इकोनॉमी। टू सेक्टर इकोनॉमी में हाउसहोल्ड फर्म्स को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करते हैं। ये भी फिर आपको मालूम होना चाहिए कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फर्म्स को क्या देते हैं, डेफिनेटली वो फैक्टर पेमेंट देंगे। यहां से जा रहा है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और यहां से फिर आएगा
फैक्टर पेमेंट्स, ये मैं ब्रीफ में लिख रहा हूं क्योंकि इतनी जगह नहीं है, मैं यहां पर आपको समझा रहा हूं कि फर्म्स क्या पे करेंगी, फैक्टर पेमेंट्स। ये भी आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि फर्म्स क्या फैक्टर पेमेंट करती हैं। तो लैंड के अगेंस्ट आप जानते क्या जाएगा, रेंट। लेबर के अगेंस्ट क्या जाएगा, वेजेस। नॉर्मल लैंग्वेज में इनको सैलरीज भी बोलते हैं, इकोनॉमिक्स के टर्म्स में मेनली वेजेस बोलते हैं। वो बात अलग है, जब हम कंप्यूटेशन ऑफ नेशनल इनकम पे जाएंगे तब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक नई टर्म आ जाएगी, बट अभी चैप्टर वन है तो आप इतना ही समझिए, रेंट वेजेस। कैपिटल के बदले में जाता है इंटरेस्ट, और एंटरप्राइज के बदले में जाता है प्रॉफिट, राइट। सो अगर आपने ये बेसिक बातें पकड़ ली तो मुझे सर्कुलर फ्लो समझाना मुश्किल नहीं होगा। देखा जाए तो मैंने सर्कुलर फ्लो आपको पढ़ाना शुरू कर दिया है। यहां से हाउस होल्ड से फर्म्स के पास क्या गया, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड गई, लेबर गई, कैपिटल गई, एंटरप्राइज गई, और वहां से फर्म से हाउस होल्ड के पास क्या आया, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, सॉरी फैक्टर पेमेंट्स। क्या आया, लैंड के बदले में रेंट, लेबर के बदले में वेजेस, और कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट, और एंटरप्राइज के बदले में प्रॉफिट। तो ये बिल्कुल छोटे छोटे बेसिक मैंने आपको बताए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इनके थ्री फेजेस को स्टडी करेंगे सर्कुलर फ्लो के, फिर उससे नेक्स्ट वीडियो में हम रियल फ्लो एंड मनी फ्लो के बारे में बात करके पूरा कंप्लीट सर्कुलर फ्लो समझेंगे। थैंक यू।